हो गया था, मतलब धुआं निकल रहा था यहाँ पे। प्रॉब्लम आया था इधर एक्सेल में, एक आवाज आ रहा था तो पीछे में आवाज आ रहा था। Hey, what's up people, hope you guys are doing absolutely fine. This is Farooq Abdullah and welcome to my YouTube channel Insane Traveling. So yeah, अभी टाइम हो रहा है करीब 3:30, तो हम घर से निकल गए, थोड़ा सा शॉर्ट राइड एक लेके आते हैं। तो आज जो मैं वीडियो बनाने वाला हूँ हिमालयन के ऊपर, वो आपने देखा होगा डिलीवरी का वीडियो देखा होगा दोस्त का है, तो उसी हिमालयन के ऊपर एक वीडियो बनाएंगे आज, देखते हैं एक्सपीरियंस कैसा होता है। मतलब वो रिव्यू, टेक्निकल रिव्यू तो मैं नहीं दूंगा, वो तो आपको काफ़ी सारे चैनलों में या फिर गूगल सर्च करने पर पता चल जाएगा, लेकिन यह मैं बात करूंगा उसके मतलब जो रियल एक्सपीरियंस होगा, जो ऑनरशिप एक्सपीरियंस में चलाने के बाद जो आपका जो फील होगा, मतलब इस तरह का कुछ एक्सपीरियंस एक रिव्यू में देने की कोशिश करूंगा, देखते हैं चला के पहले। सो यह हमने बाइक चेंज कर ली, अभी मैं चलाने वाला हूँ हिमालयन, चलिए चलते हैं। सो यह जैसे कि सो अभी जा रहे हैं एक नदी के किनारे, वहां पे थोड़ा सा ऑफ रोड टेस्ट होगा इसका। अभी यहाँ पे हम ऑफ रोड भी टेस्ट कर सकते हैं, देखते हैं ऑफ रोड परफॉर्मेंस कैसा आता है। ये मडी रोड है, ये हिमालयन का शायद पहला वाटर क्रॉसिंग होगा। नहीं उठा दो उठा दो। तो यह अभी हम लोकेशन पर पहुंच गए, पहले आपको लोकेशन दिखा देते हैं। इस तरह का कुछ लोकेशन है, तो यहाँ पे हम हैं अभी, तो देख सकते हो काफ़ी बढ़िया काफ़ी शानदार लोकेशन है यहाँ पे। अभी सनसेट भी हो रहा है, लेकिन उसका मतलब वो ठीक तरह से विजिबल नहीं है क्योंकि वेदर थोड़ा सा ख़राब है, क्लाउडी है। तो चलिए जो बात हम कर रहे थे, तो हम बात कर रहे थे इस हिमालयन को लेकर। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक को किसे लेना है, मतलब कौन ये हिमालयन ले सकता है। तो पहले बात करते हैं इसके हाइट को लेके, तो जिसका हाइट 5.6 के ऊपर है वो ही इस बाइक को बाइक पे जाइए, क्योंकि मेरा हाइट 5.6 है, मैं इसे चला सकता हूँ आराम से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन वो मतलब जो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा कम हो जाता है, जैसे कि ऑफ रोड पर या फिर आप हिल अप चढ़ रहे हो, तो वहाँ पर आपको बैलेंस करने में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। सो यह तो अभी बात करते हैं इस बाइक पर मुझे कौन कौन सी चीज़ ज़्यादा अच्छी लगी और मुझे कैसा लग रहा है इसे चला के। तो क्योंकि ये एक एडवेंचर बाइक है, आपको पता है एडवेंचर टूरर है हिमालयन, और स्पेशली इसे मतलब वो हिल्स एरिया के लिए बनाया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप इसे हाईवे पर चला नहीं सकते, हाईवे पर काफ़ी आराम से आप चला सकते हो। लुक के वाइज आप देखोगे तो वो अपने अपना एक अलग चॉइस होता है हर किसी का, लेकिन मुझे पर्सनली इस बाइक का लुक काफ़ी ज़्यादा पसंद है, मुझे मतलब अच्छा लगता है। मुझे पहले से ही बहुत पहले से ही एडवेंचर बाइक मुझे देखने में बहुत ही मतलब मज़ेदार लगता है मुझे, तो मुझे ये बाइक काफ़ी अच्छा लगता है हिमालयन। तो अभी बात करते हैं इसका जो मतलब सीटिंग कंफर्ट, सीटिंग कंफर्ट बहुत ही बढ़िया है इसका। ये जो सीट का जो है, ये सीट सीट का कुशनिंग आप देख सकते हो काफ़ी स्मूथ है, मतलब काफ़ी सॉफ्ट, तो राइडर के लिए भी और पिलियन के लिए भी दोनों सीट काफ़ी ज़बरदस्त है मेरे हिसाब से, काफ़ी स्मूथ है, काफ़ी सॉफ्ट है, आप आराम से बैठ सकते हो,
बाइक चलाने में कोई भी दिक्कत नहीं है, काफ़ी आराम से आप चला सकते हो। इसका जो एक्सेलेटर है, जो क्लच है, जो गियर है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। बाइक खरीदने के बाद लेने के बाद मतलब एक इशू इस पे आया था, वो इतना मेजर इशू नहीं है और एक ही बार आया था लेकिन बार बार नहीं, वो इसका जो पीछे का जो ब्रेक है, मैं दिखाता हूँ आपको इसका ब्रेक दिखाता हूँ। सो ये देख सकते हो इसके पीछे जो ये ब्रेक है, ये इस ब्रेक कभी कभार एक दिन ज़्यादा हो गया था, मतलब धुआं निकल रहा था यहाँ पे, पता नहीं क्यों चलाते चलाते मतलब ब्रेक अचानक से बहुत ज़्यादा गर्म हो गया और इस यहाँ से मतलब धुआं निकल रहा था, ये एक प्रॉब्लम है। ये अभी बात करते हैं आगे की पार्ट को लेके, तो ये है जो ये लाइट आप देख सकते हो, मुझे पर्सनली ये लाइट ज़्यादा पसंद नहीं है क्योंकि यहाँ पे मेरे हिसाब से तो LED होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे है हेलोजन और रात के वक्त ये इतना परफॉर्मेंस अच्छी तरीके से नहीं देता है। अगर आप मतलब अगर आप रात को ज़्यादा मतलब करते हो राइडिंग, तो आपको ऑक्सिलरी लाइट लगाना ही पड़ेगा, ये ज़रूरी है। बात करते हैं पीछे की साइड, तो यहाँ पे जो बैकलाइट है, ये LED बैकलाइट दिया हुआ है इसमें, आप देख सकते हो। तो इसका जो मतलब ये जो एग्जॉस्ट है, एग्जॉस्ट पूरा ऊपर की तरफ है। अगर आप कहीं पे भी मान लो ऑफ रोडिंग कर रहे हो, वाटर क्रॉसिंग कर रहे हो, तो ये काफ़ी ज़्यादा काम आता है। अगर नीचे की तरफ होता है ये चीज़, तो मतलब वो पानी वानी अंदर जाने का मतलब चांसेस था, लेकिन वो चीज़ यहाँ पे काफ़ी सही किया है। इसमें जो ऊपर की तरफ जो दिया है एग्जॉस्ट का, ये काफ़ी मतलब एडवांटेज है इस बाइक का एक। तो अभी बात करते हैं हम इसकी इंजन को लेके। सो ये है, ये इसका इंजन है, काफ़ी बड़ा इंजन आप देख सकते हो। ये 411 cc सिंगल सिलेंडर इंजन है, इसमें 24 BHP का पावर और 32 Nm का टॉर्क यहाँ से जनरेट होता है। तो ये सेमी डिजिटल कंसोल है, ये इसमें मतलब एनालॉग और डिजिटल दोनों काम करता है। तो आप स्पीडोमीटर जो है आप देख सकते हो, ये पूरा एनालॉग है, यहाँ पे डिजिटली कुछ दिया हुआ है इसमें। इसमें आपको ट्रिप मीटर, ऑडोमीटर, वो टाइम आपको दिखाता है, वहाँ पे टाइम देख सकते हो, यहाँ का टेम्परेचर आप देख सकते हो, ये मतलब ये एवरेज स्पीड आपको दिखा रहा है। ये गियर पोजिशनिंग इंडिकेटर यहाँ पे है, इस साइड में आप देख सकते हो फ्यूल गैस, यहाँ पे फ्यूल इंडिकेटर आप देख सकते हो, फ्यूल कम है ज़्यादा है यहाँ पे आप देख सकते हो। ये एक नेविगेशन के लिए एक दिया हुआ है इसमें, और ये है आपका RPM मीटर और ABS का स्विच भी यहाँ पे डेडिकेटेड स्विच भी दिया हुआ है इस पर आप देख सकते हो। इस रेंज के काफ़ी सारे बाइकों में मतलब ज़्यादातर बाइक में ही ABS का स्विच नहीं मिलता है, लेकिन इस पर ABS का स्विच है, ये डेडिकेटेड ABS के लिए एक अलग से स्विच दिया हुआ है आप देख सकते हो। यहाँ पे मोड का बटन है, मोड से भी आप चेंज कर सकते हो। ये है आपका कंसोल, तो कंसोल में इतना ही। तो ये बाइक स्पेशली टूरिंग के पर्पस में ही बनाया गया था, इसे ऑफ रोड और टूरिंग के लिए ही बाइक को स्पेशली डिज़ाइन किया गया है। तो इसका जो फ्यूल टैंक है, ये भी काफ़ी सही है, मतलब 15 लीटर का फ्यूल टैंक है। बात करते हैं इसके हैंडल को लेकर, तो हैंडल काफ़ी ज़्यादा वाइड है आप देख सकते हो, यहाँ पे स्पेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप मतलब कुछ भी अगर माउंट करना चाहते हो, तो आप यहाँ आराम से आसानी से काफ़ी सारी चीज़ आप माउंट कर सकते हो, यहाँ पे जगह है, मतलब स्पेस है, काफ़ी वाइड है इसका। तो इस बाइक के बारे में जितने सारा मुझे पता था वो हमने तो आपको बता दिया। अभी थोड़ा सा ओनर से भी बात कर लेते, जो कि मेरा दोस्त है, इसने अभी देखते हैं उसके एक्सपीरियंस कैसे है इस बाइक को लेके, वो कितना खुश है कितना नहीं, तो यही सारे। तो चलिए उनसे भी थोड़ा सा बातचीत कर लेते। तो हाय हाय। तो अभी मतलब एक हफ्ता हो गया, मतलब 8 दिन हो गया, तो अब तक का एक्सपीरियंस कैसा रहा, मतलब कैसे हो, खुश हो कि नहीं, नाराज़ हो बाइक को लेके, कैसा है? नहीं, जब लेके आया तब तो बहुत खुश था, लेकिन बीच में अचानक थोड़ा सा प्रॉब्लम आ गया था बाइक, तो मन थोड़ा ख़राब हो गया था। अच्छा अच्छा। कैसा हुआ था कि पीछे रियर ब्रेक का थोड़ा हीटिंग इशू आ रहा था। अच्छा अच्छा। तो मतलब कभी कभी आता है, कभी कभी नहीं आता है, एक प्रॉब्लम है। फिर एक मेरा फर्स्ट सर्विसिंग भी हो गया है, जबकि गाड़ी अभी तक 775 किलोमीटर रन हो चुकी है, 500 किलोमीटर में सर्विसिंग करा के लेके आया। तो फिर एक प्रॉब्लम आया था, इधर एक्सेल में एक आवाज़ आ रहा था, तो पीछे में आवाज़ आ रहा था, ढूंढ कर नहीं मिल रहा था, फिर फास्ट सर्विसिंग में वो सॉल्व कर दिया वो लोगों ने। अच्छा अच्छा। सॉल्व हो गया, बढ़िया है। तो हीटिंग प्रॉब्लम है वो अभी भी आता है, बीच बीच में थोड़ा थोड़ा आता है, फिर ठीक हो जाता है। अच्छा। और जब पीछे का रियर ब्रेक हीट होता है, तो पीछे जब गाड़ी को खड़ा करके रख देता हूँ, तो थोड़ा सा मतलब एक आवाज़ आता है, किट किट करके एक आवाज़ आता रहता है, अगर 15-20 सेकंड के बाद जब तक हीट रहता है, एक प्रॉब्लम चल रहा है अभी फिलहाल। और दूसरा ऐसा तो मेजर या कोई प्रॉब्लम नहीं मिला। बाकी बात करूँगा सर्विसिंग का, सर्विसिंग का जो कॉस्टिंग हुआ है ज़्यादा नहीं गया है, 900 समथिंग गया है सर्विसिंग का कॉस्ट में, इतना ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है। सर्विसिंग में 900 समथिंग है, ठीक ही है। मेंटेनेंस का इतना टेंशन नहीं है फास्ट सर्विसिंग में, अभी देखते हैं आगे क्या होता है चला। तो जैसे कि आपने सुना है इसके मुँह से, तो मतलब ये जो एक्सपीरियंस है इसने बताया कि मतलब
थोड़ा सा इशू इसमें आ रहा है वो साउंड को लेके, मतलब रियर में रियर ब्रेक जो है वहाँ से कभी कभार थोड़ा सा हीटिंग होता है, मतलब ऐसा नहीं कि हर बार ये हो रहा है, कभी कभार ऐसा होता है कि नहीं? हाँ, कभी-कभी। हर वक्त नहीं है। तो रॉयल एनफील्ड वालों, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो या फिर कोई भी देख रहे हो जो रॉयल एनफील्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसके सोल्यूशन प्लीज़ बताना, इसमें क्या है, क्यों ऐसा हो रहा है, मतलब इसका जो पीछे का जो मतलब ब्रेक है इसमें कभी कभार मतलब हीटिंग हो रहा है, और हीटिंग होने के बाद वो थोड़ा सा स्टार्ट बंद करने के बाद, बाइक को रुकने के बाद थोड़ा सा पीछे से थोड़ा सा आवाज़ आ रहा है। तो यही एक इशू है इस पे बाइक पे, बाकी बाइक काफ़ी बढ़िया चल रहा है, बाइक पे कोई भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है, काफ़ी ज़बरदस्त है। ये भी खुश है, हम भी खुश है, और बाइक तो पहले से ही मतलब इसको लेके एक एक्साइटमेंट था हमारा। तो चलिए इतना ही, आगे और बताएंगे अगर इसमें कोई भी ख़राबी आता है, कुछ भी आता है। अभी तो फास्ट सर्विसिंग हुआ है, सिर्फ फास्ट सर्विसिंग के कॉस्ट भी आपको पता लग गया होगा, तो 900 समथिंग आया है, इतना ज़्यादा भी नहीं है, तो मेंटेनेंस काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी सही है। तो चलिए, तो आज के लिए इतना ही, और आगे फिर कभी दूसरे वीडियोज़ पर मिलते हैं। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और सब्सक्राइब कर लेना इस चैनल को, काफ़ी नया चैनल है, अभी अभी स्टार्ट किया है। तो आप सभी का दुआ, आप सभी का मतलब सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए मुझे, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और लाइक कीजिए इस वीडियो को। तो आज के लिए इतना ही, तो चलिए बाय बाय।